हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सॉलिड्स और उसकी क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले समझते हैं सॉलिड क्या है। बाय डेफिनेशन अगर बात करें, सॉलिड हैज थ्री डायमेंशंस विच आर लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। हाइट भी बोल सकते हैं आप। एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा आपका सॉलिड जिसकी तीनों डायमेंशन रहेंगी, लंबाई भी रहेगी, चौड़ाई भी रहेगी, मोटाई कह सकते हो या ऊंचाई भी कह सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन्स देखे थे। प्लेन्स में और सॉलिड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्लेन के अंदर ये थिकनेस या हाइट नहीं होती है, लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है, टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो सॉलिड की क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड को हम दो भागों में स्टडी करेंगे। पहला भाग है पॉलीहेड्रा और दूसरा भाग है सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। पॉलीहेड्रा के अंदर क्या होता है कि आपकी रेगुलर प्लेन सरफेसेस रहेंगे एक सॉलिड के सराउंडिंग में, यानी उसकी पेरिफेरी पे जितने भी आपके प्लेन रहेंगे वो क्या रहेंगे? रेगुलर प्लेन रहेंगे। और सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के अंदर क्या रहेगा? एक 2D फिगर को हम क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे एक एक्सिस के अराउंड। तो देखिए किस तरीके से है पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा की टाइप्स देखिए कौन कौन सी है। टेट्राहेड्रन, क्यूब या फिर हेक्साहेड्रन भी बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रन बोल सकते हैं, डोडेकाहेड्रन, आइकोसाहेड्रन, प्रिज्म और पिरामिड। सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन में कौन कौन से आएंगे? ये सभी आपने नाम सुने ही होंगे, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, फ्रस्टम और ट्रंकेटेड। ये दो आपके लिए नए हैं, फ्रस्टम और ट्रंकेटेड, और इन वालों को हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। देखिए है किस तरीके से, ये देखिए बाय फिगर भी है और मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसकी सॉलिड किस तरीके से दिखता है। देखिए सबसे पहला है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन के अंदर क्या होता है बेटा? फोर इक्वल फेसेस होते हैं, चार इक्वल फेसेस रहेंगे और चारों इक्वल फेसेस जो रहेंगे वो मिलके आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में रहेंगे। देखिए इस तरीके से, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल, चार इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर ये बनेगा आपका टेट्राहेड्रन। साइमल्टेनियसली क्यूब बोले या हेक्साहेड्रन बोले, हेक्साहेड्रन के अंदर क्या होते हैं? छह फेस होते हैं और सभी के सभी फेस क्या रहेंगे? स्क्वायर रहेंगे। मैंने ये डार्क कर दिया है, जो आपको डार्क दिख रहा है सभी फेसेस ऐसे ही रहते हैं। ऑक्टाहेड्रन के अंदर देखिए, ऑक्टाहेड्रन क्या बनता है आपका? आठ इक्विलेटरल फेसेस से मिलकर बनता है, यानी इसके फेस कितने रहेंगे? आठ, और आठों के आठ फेस क्या रहेंगे? आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स रहेंगी। देखिए इस तरीके से है, ये चार आपको सामने से दिख रही है, चार इसके पीछे रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डोडेकाहेड्रन। डोडेकाहेड्रन देखिए किस तरीके से है। डोडेकाहेड्रन के अंदर क्या होते हैं आपके? 12 इक्वल रेगुलर पेंटागनल फेसेस होते हैं। देखिए मैंने डार्क कर दिए हैं, वैसे पेंटागन की फॉर्म में हैं, लेकिन फेस कितने रहेंगे आपके? 12। ये देखिए पेंटागन, ये भी पेंटागन, ये भी, ये भी, यानी ये पॉलीहेड्रन की डेफिनेशन में ही बता दिया गया था। एक ऐसा सॉलिड है जो किससे मिलकर बनेगा? आपका प्लेन सर्फेसिस से मिलकर बनेगा, यानी उसके जो आउटर सर्फेस रहेगा वो क्या रहेगा? एक रेगुलर प्लेन सर्फेसिस रहेगा। तो देखिए आइकोसाहेड्रन के अंदर क्या होता है आपके? 20 फेसेस होते हैं, 20 फेस रहेंगे और आपकी 20 के 20 क्या रहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की फॉर्म में रहेंगे। ये देखिए 20 हैं आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखिए ये सभी ट्रायंगल कौन सी हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, 20 ट्रायंगल से मिलकर बनता है ये आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि आपके आने वाली शीट्स में क्या रहेगा? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हम स्टडी करेंगे, तो पेपर में भी पूछ लेता है कभी कभी कि प्रिज्म की डेफिनेशन बताइए, प्रिज्म को डिफाइन कीजिए। तो प्रिज्म बेसिकली है क्या? प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड है जिसके टॉप और बॉटम सरफेस क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। ये देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये, यानी टॉप में भी ट्रायंगल है और बॉटम के अंदर भी ट्रायंगल है, और जो बाकी के जो फेसेस हैं वो क्या है? या तो वो आपके रहेंगे पैरेललोग्राम रहेंगे या फिर क्या रहेंगे? रेक्टेंगल रहेंगे। ये देखिए ये आपके स्क्वायर प्रिज्म है, टॉप में भी स्क्वायर है और बॉटम में भी ये एक स्क्वायर है। मैंने यहां से शेड कर दिया है, बाकी के सरफेसेस क्या रहेंगे? आपके रेक्टेंगल रहेंगे। ये पेंटागनल प्रिज्म है। तो प्रिज्म की डेफिनेशन में अगर आपको ये बोला जाए कि हेक्सागनल प्रिज्म है, पेंटागनल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये कौन डिसाइड करता है? ये आपके टॉप और बॉटम सरफेसेस डिसाइड करते हैं। अगर नीचे पेंटागन बनी हुई है तो पेंटागनल प्रिज्म, अगर हेक्सागन बनी हुई है तो हेक्सागनल प्रिज्म, स्क्वायर बना है तो स्क्वायर प्रिज्म,
ट्रायंगल बनी है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाले ट्रायंगल के सेंटर और बॉटम वाले ट्रायंगल के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, ये आपका एक्सिस होता है प्रिज्म का। इसका आने वाली प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की शीट के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग होगा, तो इसको भी आप समझें। ये स्क्वायर प्रिज्म के अंदर है, देखिए बॉटम वाला जो सरफेस है यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसका सेंटर ले लिया और टॉप में भी सेंटर है। इन सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ प्रिज्म कहलाती है। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो मैंने एक बनाया है सॉलिड, ये देखिए इस तरीके से होती है बेटा आपकी प्रिज्म। ये है आपके रिमेनिंग सर्फेसिस, ये चार सर्फेसिस हैं और टॉप में देखिए क्या है, स्क्वेयर है। बॉटम में देखिए क्या है, स्क्वेयर है। यानी ये क्या है आपकी, एक स्क्वेयर प्रिज्म है, ठीक है। और अगर आप पेंटागनल देखना चाह रहे हैं तो पेंटागनल देखिए बेटा इस तरीके से दिखती है। ये क्या है आपकी, एक पेंटागन है। इसकी क्या है, पांच साइड है और रेगुलर पेंटागन है, यानी पांचों साइड क्या है आपकी, इक्वल है, इसीलिए इसको रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म बोलेंगे। अब देखिए बॉटम में क्या है, थोड़ा सा ये टिल्टेड है, बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई, कोई नहीं। आप समझिए कि टॉप में भी आपकी पेंटागन है और बॉटम में भी पेंटागन है और रिमेनिंग सरफेसेस कितने रह गए, ये देखो पांच फेस हैं, पांच के पांच फेस देखो आपके क्या हैं, रेक्टेंगल हैं। तो ये क्या बन गई हमारी, पेंटागनल प्रिज्म। तो देखिए टॉप और बॉटम क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहां से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि मेरी प्रिज्म कौन सी है, पांच साइड है तो पेंटागन, अगर यही छह होती तो ये हेक्सागनल हो जाती। अभी बढ़ते हैं पिरामिड के ऊपर। पिरामिड के भी काफी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं जो हम आने वाले शीट्स में पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से हम इसको पिरामिड को डिफाइन करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। देखिए ये है आपकी बेटा ट्रायंगुलर पिरामिड और ये है स्क्वायर पिरामिड। अब कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगुलर है या स्क्वायर है, ट्रायंगुलर पिरामिड। सबसे पहले पिरामिड डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। पिरामिड के अंदर क्या होता है, आपका बॉटम सरफेस क्या रहेगा, एक प्लेन सरफेस रहेगा, ठीक है। जितने भी प्लेन सरफेसेस के अंदर साइड रहेंगी उतनी ही ऊपर क्या बनेंगी, आपकी ट्रायंगल बनेंगी और वो ट्रायंगल ऊपर जाकर एक एपेक्स पे यानी चोटी पे शीर्ष पे जाके टकराएंगी और वो बन जाएगा मेरा पिरामिड। अब देखिए ये स्क्वायर पिरामिड है, इसके बेस में देखिए या बॉटम कह सकते हैं, बेस में कितनी साइडें हैं, चार साइड हैं। तो चार साइड हैं तो चारों साइडों से एक एक आपकी ट्रायंगल उठेगी, ये इस साइड से उठी, ये इससे, ये इससे, इससे, चार साइड होगी तो चारों साइडों ने मिलके ट्रायंगल बनाई और ऊपर एपेक्स पे जाके ये मीट करगी, तो ये होगी मेरी स्क्वायर पिरामिड। अब ये देखिए ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, नीचे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की तीन साइड होती है, तीनों ट्रायंगल के साइड से क्या मिला आपको, तीन ट्रायंगल ऊपर भी की तरफ भी मिली जो कि एपेक्स पे जाके टकराती है। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो ये देखिए थोड़ा कलरफुल है, आपको दिखने में अच्छा लगेगा। ये है बेटा आपकी पिरामिड, ठीक है। ये कैसी पिरामिड है, कैसे पता चलेगा, बॉटम में कितनी साइड है, चार है तो स्क्वायर की शेप में भी है तो स्क्वायर पिरामिड। अब देखिए चारों साइडों से देखिए क्या है, चार ट्रायंगल है, ये स्काई ब्लू है, ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, ये पिंक है, ये सभी क्या है मेरी ट्रायंगल है। इन्हें ट्रायंगल को ऊपर की तरफ मिला दिया गया, ये होती है ट्रायंगल की एपेक्स, ठीक है ना। ये आपका जो है ट्रायंगुलर फेस है, ये इसका क्या होता है, कॉर्नर होता है, ये फेस होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉर्नर ऑफ द बेस। ये याद रखिएगा ये कॉर्नर ऑफ द बेस है, ये पूरा क्या है मेरा सरफेस है, कौन सा, बॉटम सरफेस, इसको बेस भी बोल देते हैं। अगर बेस के एज की बात करेगा न्यूमेरिकल में तो इसकी बात कर रहा है, अगर कॉर्नर ऑफ प्रिज्म की बात कर रहा है तो ये किनारा, अगर साइड ऑफ द फेस की बात कर रहे हैं देखिए तो ये होता है आपका साइड, ये एज। और देखिए पेंटागनल दिखाते हैं आपको, ये पेंटागनल पिरामिड है आपकी, ठीक है। पेंटागन में कितनी साइड होती है, पांच, देखिए पांच साइड हैं इसकी और पांच ट्रायंगल हैं। तो बॉटम दिखाता हूं सबसे पहले, ये देखिए पेंटागन है, थोड़ा दूर कर देते हैं इसको, ये पेंटागन है, पांच साइड है, पांचों साइड से क्या मिली आपको, ट्रायंगल उठी और ट्रायंगल जाके एक एपेक्स पे मीट करेंगी, ये होगी मेरी पेंटागनल पिरामिड। तो इस तरीके से प्रिज्म और पिरामिड हैं। तो एक प्रिज्म की भी एक छोटी सी टर्म है वो बतानी रह गई, ये प्रिज्म होता है ना बेटा आपका स्क्वायर प्रिज्म, ये इसका है टॉप सरफेस, ये है आपका बॉटम सरफेस, तो इस कॉर्नर को बोलेंगे टॉप कॉर्नर और नीचे वाले को बोलेंगे बॉटम कॉर्नर। और ये क्या है आपका फेस, ये फेस होता है रिमेनिंग जो आपके चार बचे, तो ये कौन सा हो गया, एज ऑफ फेस, यानी किनारा है आपका किसका, फेस का। तो पिरामिड में भी इसी तरीके से होता है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन आ गए हैं, ठीक है। सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर क्या रहेगा आपका, देखिए सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन बनता कैसे है, सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी है। सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि आपका एक 2D फिगर ली जाती है, 2D फिगर के एक साइड को कर देते हैं हम फिक्स, और एक साइड को फिक्स करने के बाद रिमेनिंग जो साइड बचेंगी उनको हम रोटेट करते हैं उस फिक्स साइड के अबाउट, ठीक है।
तो उससे मिलता है हमें सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। इसके अंदर पहला ही जो सॉलिड है वो सिलेंडर है। सिलेंडर भी एक तरीके का सॉलिड है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए या आपके वाइवा एग्जाम में जिस भी आप कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो सिलेंडर को डिफाइन करने के लिए आप क्या बोलेंगे कि सिलेंडर कैसे बनता है, सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन की क्लासिफिकेशन है, और एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, इस रेक्टेंगल को लिया जाता है और इस वाली साइड को जहां ये मेरा पेन मूव कर रहा है इस साइड को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, और रिमेनिंग साइड को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाता है, रिवोल्यूशन 360 डिग्री पर रोटेट किया जाएगा इस तरीके से। ये पेन भी एक तरीके से सिलेंडर है बेटा, देखो ये सिलेंडर ही है। तो इस रेक्टेंगल को हमने क्या किया, इस साइड को फिक्स करते हुए ऐसे घुमा दिया तो मिल गया मुझे सिलेंडर। कोण में देखिए, कोण में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर को फिक्स रखा और रिमेनिंग जो हाइपोटेन्यूज और बेस को क्या किया, 360 डिग्री रिवोल्यूशन दे दी। जैसे रिवोल्यूशन दी तो इस तरीके का सॉलिड प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं हम कोण, स्फीयर। देखो समझ ही गए होंगे आप, हाँ ठीक सोच रहे हैं। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को लिया हमने और इस सेमी सर्कल की ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, डॉटेड वैसे दिखानी नहीं होती, मैं जानबूझ के दिखाई ताकि आपको समझ में आए कि किसके अबाउट इसको रोटेट किया गया है या रिवोल्यूट किया गया है। ये जो दिख रहा है ना आपको सेमी सर्कल का डायमीटर, इसके अबाउट हमने क्या किया, इस लाइन के अबाउट इस पूरे सेमी सर्कल को रिवोल्यूशन दे दी 360 डिग्री, और ये हमारा रेडी हो गया स्फीयर। तो देखिए सिलेंडर अगर देखना चाहते हैं, सभी ने देखा ही होगा इस तरीके से रहता है आपका सिलेंडर। ये देखिए ये सिलेंडर है आपका, ये इसका टॉप में सर्कल है, बॉटम में भी एक सर्कल होता है, ठीक है। तो कोण भी देखना चाहें अगर, तो ये कोण होता है आपका, देखो बेटा ये होता है आपका कोण, ठीक है। बेस में क्या होता है आपका, एक सर्कल रहता है, और टॉप में देखिए इस तरीके से एपेक्स होती है इसकी। सामने से देखेंगे अगर आप फ्रंट व्यू में तो आपको एक ट्रायंगल ही दिखेगी ये, ठीक है ना। तो ये सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन की तीन फिगर मेरी कंप्लीट हुई, रिमेनिंग दो बची हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, वाइवा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहां से। तो देखिए दो लास्ट के सॉलिड बचे हैं सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में, वो कौन कौन से हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। ये स्क्वायर पिरामिड है हमारी। स्क्वायर पिरामिड को हमने किया क्या, स्क्वायर पिरामिड शुरू में इसकी हमने टॉप वाली सरफेस नहीं दिखाई दे रही, नीचे स्क्वायर बना है, स्क्वायर से ट्रायंगल उठी होंगी। हमने क्या किया, ये मेरा बेस है, बेस के पैरेलल एक कटिंग प्लेन लेके आए, बेस के पैरेलल एक कटिंग प्लेन लेके आए, यानी उसको काट दिया हमने, बेस के पैरेलल एक चाकू लिया या फिर आपका कटिंग प्लेन लिया, उससे हमने इसको काट दिया। और जो रिमेनिंग बॉटम वाला पार्ट रहता है, ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला पार्ट बचता है उसको बोलते हैं हम फ्रस्टम। कटिंग प्लेन ने कहां से काटा है, जहां ये आपको हैचिंग दिख रही है, इसको सेक्शनिंग बोलते हैं। इसकी भी हम शीट डिटेल में स्टडी करेंगे, उसको सेक्शन ऑफ सॉलिड बोला जाता है। तो किसी भी सॉलिड को हमने उसके बेस के पैरेलल अगर काटा है तो फ्रस्टम कहलाता है। और इस तरीके से देखिए, ये सिलेंडर का डायग्राम है, तो सिलेंडर है, अगर फ्रंट व्यू में आपको इस तरीके से रेक्टेंगल दिखती है, और हमने बेस से, देखिए बेस से कुछ एंगल बनाते हुए हमने अगर इसको काट दिया है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट बचेगा इसको बोलते हैं बेटा ट्रंकेटेड। अगर आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं दिखा भी देता हूं, मैंने बनाने की कोशिश की है। तो देखिए इस तरीके से रहता है बेटा ये वाला पार्ट, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड बोलते हैं। देखिए बिल्कुल सिमिलर है, ये स्क्वायर पिरामिड थी, हमने क्या किया इसको ऐसे बेस के पैरेलल काट दिया, ये मेरा बेस है, बेस के पैरेलल यानी बिल्कुल पैरेलल ऐसे काट दिया, ऊपर वाले को रिमूव कर दिया, जो नीचे वाला बचा उसको बोलते हैं हम फ्रस्टम। और ट्रंकेटेड कौन से को बोलते हैं, अगर यही वाला इंक्लाइंड होता तो, ये देखिए यहां पे इंक्लाइंड है। तो ये थे हमारे सॉलिड्स, रिमेनिंग पोर्शन ये बच जाता है इस तरीके से, ऊपर वाला ये जो हमने निकाला ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहां भी आपका इस तरीके से पैरेलल ही रहता है। तो ये थे हमारे सॉलिड और इसके टाइप्स। आने वाली वीडियोस में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो होंगी आपकी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। यानी आपको बेसिक कंसेप्ट पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अगली वीडियोस के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको कल तक ये मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।